Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Pranati Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time at home. Friend, आज जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पार्ट टू. हमने अपने चैनल पे जो लास्ट वीडियो शेयर करी है उसमें हमने थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जाना है, जिसमें कि हमने दो थ्योरीज की बात करी है. आज हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की अनदर थ्योरीज जो है उस पर बात करने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं अनदर जो थ्योरीज है लैंग्वेज डेवलपमेंट की वो क्या क्या है. और ये जो थ्योरीज है ये अगेन LSE पेपर के अंतर्गत आती है, जो कि BA पार्ट 1 का पार्ट. तो स्टूडेंट, हमने बोंडियोरा और स्किनर की थ्योरी को अपने लास्ट वीडियो में कवर करी है. आज जो हम बात करने वाले हैं वो है नोएम चॉम्स्की की थ्योरी ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो नोएम जो थे ये कहते थे जो वर्क डिस्कशन एंड बायोलॉजिकल बेसिस फॉर लैंग्वेज एंड क्लेम दैट चिल्ड्रन हैव एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज. इनका ये कहना था कि बच्चे में एक अंदरूनी एक क्षमता होती है, क्वालिटी होती है, जिसके जरिए वो लैंग्वेज को सीखता है. तो हम अगर ये कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हम एक आर्टिफिशियल फॉर्म में कराएं तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे की नीड है, करता ही करता है. तो एक इनेट क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू. तो इनेट एबिलिटी जो है वो कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हर एक बच्चे में एक LAD होती है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जो उसको परिप्रेक्ष्य या परिवेश में जाते ही वो चीजें समझ में आती है और उस चीज को अडॉप्ट करना शुरू. Without any formal instruction, और इसके लिए कहते हैं कोई भी formal instruction की जरूरत नहीं होती है, बच्चा अपने आप इन चीजों को मतलब उस चीजों को acquire करना शुरू कर देते हैं. Natural need to use language. अब क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो बच्चे के लिए भी उसकी जो नीड है वो एक प्राकृतिक नीड है, जो कि धीरे धीरे परिवार से उसके दायरा जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी नीड बढ़ती जाती है. तो और ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को, उस लैंग्वेज को समझना या सीखना शुरू कर देता है, बिकॉज वो लैंग्वेज जो है वो उसकी नीड की पूरी पूर्ति करती है. सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन टू मीट देयर नीड. और जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, क्योंकि ये नीड है और उस नीड की पूर्ति कैसे हो रही है, कम्युनिकेशन के थ्रू, और कम्युनिकेशन का जो जरिया है वो लैंग्वेज है, तो बच्चा जो लैंग्वेज है उसको सीख लेता है. तो नोएम के अकॉर्डिंग ये है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये कोई साइंस नहीं है, इट्स अ डिवाइस जो कि इनबिल्ट है सभी में, और ऑटोमेटिकली ये बच्चा जो ह्यूमन बीइंग है वो उस चीज को सीखता है. इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेटिविस्ट थ्योरी की. नेटिविस्ट थ्योरी जो है ये भी कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ यूनिक ह्यूमन एकम्प्लिशमेंट. इट्स अ टाइप ऑफ एकम्प्लिशमेंट जो कि ह्यूमन मेड है. इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जैसे कि हमने बात करी है. LAD इज एन एरिया ऑफ द ब्रेन दैट हैज अ सेट ऑफ यूनिवर्सल रूल फॉर ऑल लैंग्वेज. एज वी ऑल नो दैट लैंग्वेज इज अ ह्यूमन मेड थिंग, और सब जो लैंग्वेज है उसका एक रूल है. तो ये एक सेट रूल है जो कि हम अडॉप्ट करते हैं टू अकॉम्प्लिश आर नीड एंड अकॉम्प्लिश आर डिजायर एंड ऑल थिंग. So it is impossible for children to learn linguistic information slowly from their environment. तो क्योंकि हमें पता है कि हम सब एक social being है, और social being होने के जरिए हम समाज में अपनी चीजों को समाज से लेते हैं, समाज को देते हैं. तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस communication की हमें जरूरत पड़ती है वहाँ पे language हमारी सहायता करती है. तो nativist theory यही कहती है कि it's a device जो कि हम सीखते हैं. नेटिविस्ट थ्योरी के बाद हम बात कर लेते हैं एम्पिरिसिस थ्योरी की. एम्पिरिसिस थ्योरी जो थी कहते हैं देयर इज अ नो नीड टू अज्यूम दैट एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एग्जिस्ट. ये कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है कि हम ये जाने कि बच्चे में वो डिवाइस है या नहीं है. इट इज नेसेसरी फॉर अ चाइल्ड टू बी एक्टिवली इंगेज विद द एनवायरमेंट. अगर हम उस बच्चे को समाज या एनवायरमेंट में एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं तो एक्टिवली इंगेजमेंट तभी होगा जब वो समाज में कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करेगा. तो वही कह रहे हैं कि बच्चों को आप ऑटोमेटिकली अगर एंगेज कर रहे हो उसके एनवायरनमेंट में तो किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं है, वो चीजों को समझ लेगा. द CDS इज यूज्ड सो दैट चिल्ड्रन आर गिवन द नेसेसरी लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर देयर लैंग्वेज. अब बात करते हैं कि बच्चा क्या चीजें सीखता है. तो बच्चे को जब जो जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी डिजायर नीड्स बढ़ती जाती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम अपनी लैंग्वेज में भी कमांड करना शुरू करते थे. अगर हम बच्चे को अकेला रखते हैं कई सालों तक तो उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा. अगर वही समाज में लोगों से इंटरेक्शन करेगा, मिलेगा जुलेगा अपने साथ के लोगों से इंटरेक्शन करेगा, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में.
बाद अब हम बात कर लेते हैं पियाजे के बारे में। पियाजे कहते थे एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, क्या चीजें हम एसिमिलेट कर रहे हैं और कैसे हम उसको एकोमोडेट कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज थ्योरी पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन यूज बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन टू लर्न द लैंग्वेज। बच्चा लैंग्वेज को सीखने के लिए सही चीजें जो उसकी जरूरत की है, उसको कहाँ प्रॉपर तरीके से उसे यूज करना है, वो चीजें वो सीख लेता है। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वंस एनवायरनमेंट टू प्लेस इंफॉर्मेशन इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम। सपोज मैंने आज कुछ सीखा, आज जो चीज मैंने सीखी है उसको मैं आज प्रयोग ना करके जब मुझे जहां जरूरत पड़ी है वो आइडिया, वो स्कीमा अगर मेरे में आ जाता है तो इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि जब जो चीजें जरूरत पड़ रही है उसकी पूर्ति के लिए, जब आप चीजों को बेहतर बनाने के लिए वो पहले सीखी गई चीजों को अडॉप्ट करते हो या वहां पे प्रयोग करते हो, तो इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। आपने चीजें सीखी और उसको आपने एकोमोडेट किया। अकॉर्डिंग टू पियाजे कहते हैं कि बच्चा भले ही घर में सीख रहा है या एक छोटे ग्रुप में सीख रहा है, लेकिन जब उसे जहां जरूरत पड़ती है तो वो चीजें वो एसिमिलेट और एकोमोडेट करता है। पियाजे के बाद चलते हैं हम वायवोडस्की पे। इनका कहना है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लैंग्वेज जो है वो एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, फोकस ऑन सोशल लर्निंग एंड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि अगर बच्चे का सोशल लर्निंग बेहतर है, फोकस्ड है और प्रॉपर वे में है, तो ऑब्वियसली जो चीज हम पहले भी बात करके आए हैं, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में होगा। पियाजे हैज एस्टिमेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, वाइल वायवोडस्की सेज दैट सोशल डेवलपमेंट और इंटरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। तो वायवोडस्की का जो मेन फोकस था वो सोशल इंटरेक्शन पे था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से बच्चा जिस एनवायरमेंट या सोशल गैदरिंग में रहता है वो उस एनवायरमेंट और उस सोशल गैदरिंग के अनुसार जो है वो लैंग्वेज को सीख लेता है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के किसी पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो, तो वहां पे आप, क्योंकि आपको वहां पे सर्वाइव करना है तो आप वहां के डायलेक्ट्स को सीख लोगे। आप इंडिया के बाहर रह रहे हो, आपको वहां सर्वाइव करना है तो वहां के आप डायलेक्ट्स को, वहां के एक्सेंट को आप करना सीख लोगे। तो ये इट्स अ सोशल इंटरेक्शन जो कि आप, अगेन इट्स अ इनेट क्वालिटी और हम इसको सीख लेते हैं बिकॉज ये हमारी नीड की पूर्ति करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट, जो हमने पिछली वीडियो और आज की वीडियो में हमने थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट को कवर किया है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस और चैनल पे अवेलेबल वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड वन मोर थिंग, मेरे चैनल पे आपको बीएड से के अलावा भी सी टेट और टेट से संबंधित ओवरऑल जो कोर्स है उससे संबंधित वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो प्लीज आप उन्हें देखिए, लोगों तक शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ। बाय।